वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज शिवानी। आज की वीडियो में हॉल होने वाला है। यू ऑल नो कि फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू शो यू गाइस कि मैं क्या क्या लाई हूँ, और इस पे मैंने रील्स भी बनाई है। सो दिस इज मिंत्रा हॉल बाय द वे, एंड जितने भी मुझे मिंत्रा पे अच्छे लगे अफोर्डेबल प्राइस में, उस सबकी कलेक्शन मैं लेके आई हूँ आज, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू। और साइड में आई शो यू वीडियो एज वेल, क्योंकि मैंने रील्स बना ली है। सो या, आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस, यू आर रेडी। बिफोर यू नो स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियोज होने वाली है आगे के लिए भी। एंड या, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड कॉमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो कुछ पैकेट्स मैंने ओपन कर लिए हैं, कुछ अभी रहते हैं, बहुत थोड़े से। आई एम स्टार्टिंग विद दिस कुर्ता, जो कि मेरा फेवरेट हो चुका है। आई शो यू कि हमने रील्स भी बनाई थी जिसमें हमने ट्विनिंग करी थी, मैंने और तरुण ने। एंड ये कुर्ता बहुत अच्छा है, कॉटन में है, एज यू कैन सी कॉटन में है। उसका फैब्रिक भी सही है, 597 और समथिंग का है, सो इट्स वेरी नाइस उसमें, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये थोड़ा सा लूज है मुझे, साइज स्मॉल, एंड आई एम अटैचिंग प्रोडक्ट कोड एज वेल अगर आपको शॉप करना हो तो। एंड सिंपल है काफ़ी, तो आप आगे भी पहन सकते हो, ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, या नॉर्मल घर में भी पहन सकते हो। और इसको सिल्वर ज्वेलरी के साथ यू कैन यू नो एक्सेसराइज, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसे जीन्स के साथ भी पहन सकते हो और वाइट प्लाजो, और बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सो जो नेक्स्ट होने वाला है ना, सेकेंड वन, ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये इतना सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, इसलिए मैंने इसे सोचा कि मैं इसे रखूँगी। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इट्स अ काफ्तान सूट, यू कैन से काफ्तान सेट है, बहुत ही प्यारा है। दिस इज़ द वन, और बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी स्पेशली यू कैन सी रेयन में है, बहुत अच्छा लग रहा था पहने हुए, और कलरफुल वाली वाइब आ रही थी, और नवरात्रि के लिए आई थिंक ये परफेक्ट होने वाला है। क्वाइट डिफरेंट और क्वाइट स्टाइलिश, इसको आप यू नो सिल्वर ज्वेलरी के साथ भी एक्सेसराइज कर सकते हो, थोड़ा बंजारन लुक देने के लिए, और ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ भी पहन सकते हो, तो ये बहुत अच्छा लाइक सेट है। इसको मैंने बाय द वे एक्स्ट्रा स्मॉल में ऑर्डर किया था, और ये परफेक्टली फिट हुआ था उसके हिसाब से, क्योंकि मैं जनरली जो हूँ स्मॉल साइज़ भी पहनती हूँ और एक्स्ट्रा स्मॉल भी पहनती हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ मिला तो मैंने वो ऑर्डर कर लिया, और ये परफेक्टली फिट आया है मुझे, एंड यू कैन सी इन द वीडियो एज वेल, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये पहना हुआ। दिस इज़ द प्लाजो, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें भी नीचे डिटेलिंग दी हुई है, तो इट्स लुक रियली नाइस। सो इसका प्राइस आई थिंक 5000 है, बट मुझे जो मिला है वो 1600 में मिला है, विच इज़ रियली नाइस, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, और इतना ज़्यादा बिलीव में कम्फर्टेबल था, और इसकी स्लीव्स काफ़ी अच्छी थी, तो बहुत ही अच्छा लगा। मेरा फेवरेट है ये बाय द वे। ओके, तो थर्ड वन जो है वो है ये। सो नवरात्रि और बंधनी प्रिंट ना पहने कोई, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो बंधनी जो प्रिंट होता है बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे वो सूट में हो चाहे वो साड़ी में हो, तो इट लुक्स रियली नाइस। वैसे मैंने एक साड़ी भी अभी ऑर्डर करी हुई है अमेज़ॉन से, सो जब वो आएगी मैं उसका भी हॉल बनाऊंगी। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, बहुत ही अच्छी लगी थी मेरे को, और इसके यहाँ पे टैसल्स दिए हुए हैं, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था बाय द वे। और बैक इसकी प्लेन है, एंड ये मैंने स्मॉल साइज़ लिया था, हाथ पे भी इसका थोड़ा सा वर्क हो रखा है, तो थोड़ा सा घेरा वाला लुक देता है, और बहुत ही सुंदर लगता है। गॉड, ये मुझे 1835 का मिला था, मुझे नहीं पता था, बट 1835 के हिसाब से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट या आई नो बंधनी डिज़ाइन है तो इस वजह से हो सकता है, बट 1835 के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। आई थिंक इतने में बीबा पे अगर सेल चल रही हो तो उतने में तो वहाँ पर भी मिल जाता है। यू कैन गो फॉर दिस अगर आपको लगता है कि 1800 में लेना चाहिए तो। सो नेक्स्ट वन इज़ दिस सेट, जो कि ऑल्सो मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसे पहनकर इतना ब्यूटिफुल लुक आ रहा था, इतना एलिगेंट एंड क्लासी लुक। ये मुझे मिला है 1619 का, विच इज़ वेरी यूजफुल, क्योंकि इसमें पूरा है, ये प्लाजो टाइप है, पैंट स्टाइल, ठीक है, एंड दिस इज द दुपट्टा, दुपट्टा इज ऑल्सो वेरी नाइस, बहुत ही सॉफ्ट है, एंड मुझे लगा 1619 में इट इज़ गुड, क्योंकि बहुत ही अच्छा यू नो लुक दे रहा था ये, दिस अनारकली फुल,
और एयरपोर्ट लुक में भी आपने देखा होगा बहुत सारी एक्ट्रेसेस पहन के जाती हैं एंड स्पेशली सारा अली खान, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा है इस पर। एक तो ऐसा अच्छा सा प्यारा सा सेट होना चाहिए, सूट सेट, जो कि हर एक जगह चल सके, और बहुत ही अच्छा था। और बाय द वे मैंने इसे उज्जैन महाकाल टेम्पल में पहना था और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। कॉटन में है आई नो, बट एक तो ऐसा होना चाहिए आपके पास, यू नो, जो हर जगह आप पहन सको। बाय द वे इसका मैंने साइज जो ऑर्डर किया था एक्स्ट्रा स्मॉल, जो कि परफेक्ट फिट था मेरे लिए। तो एक पैकेट मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, तो मैं अभी ओपन कर रही हूँ। ये भी काफ़ी कूल सी कुर्ती है, मेरे को, मैंने इसे मिंत्रा पे देखा था एंड तभी मुझे अच्छा लग गया था और इसका प्राइस भी ठीक था, तो मुझे लगा कि अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा बोहेमियन टाइप में है। लेट मी सी पहले। वाओ, सो प्रिटी यार, लुक एट दिस डिज़ाइन मैन, सो प्रिटी, सो ब्यूटिफुल। स्पेशली यहाँ पर जो ये प्रिंट हो रखा है और पीछे भी प्रिंट बहुत ही सुंदर हो रखा है, सी, वेरी प्रिटी, राइट। और यहाँ पे एक छोटा सा टैसल्स दे रखे हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर। बाय द वे बहुत सुंदर लग रहा है एंड आई लव इट यार, रियली नाइस। और इसके नीचे अस्तर भी लगा हुआ है तो विजिबल नहीं होने वाला, तो विच इज़ क्वाइट नाइस। इसको मैंने साइज स्मॉल में ऑर्डर किया था और मुझे लगता है ये आ जाना चाहिए, थोड़ा सा ही लूज़ होगा जहाँ तक मुझे लगता है। और ये सिर्फ और सिर्फ 700 रुपीज़ में इतना स्टाइलिश और एक्सपेंसिव लग रहा है। एक्चुअली 700 का बिल्कुल नहीं लग रहा, तो एक्सपेंसिव लग रहा है, तो आई थिंक इट्स रियली नाइस और बहुत अच्छा होने वाला है। लुक ना बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप पहनोगे तो ऑब्वियसली सब पूछेंगे कहाँ से लिया। सो या आई थिंक दिस इज़ रियली नाइस एंड आई कैन नॉट वेट टू वेयर। बाय द वे गाइज, आई जस्ट चेक्ड, 419 का मिल रहा है। वाओ, 419 का मिल रहा है यार, 400 रुपये में, इट्स अ स्टील डील। इसका जो कपड़ा है वो पॉलिएस्टर में है, तो आई थिंक ये चलने वाला है काफ़ी दूर तक। तीखी इमली करके कोई ब्रांड है तो उसका है, आई थिंक आई लव इट। और बाकी मैं वीडियो यहाँ पे अटैच अभी कर ही दूंगी, सो या यू कैन सी इट कि कैसा लगेगा। ओके, नाउ दिस वन, ये मैंने तरुण के लिए ऑर्डर किया था, ये जो मैंने अभी आपको रील पीछे दिखाई, हम दोनों ने सेम कुर्ता पहना था एंड बाय चांस, लिटरली ऐसा मेरा मन में नहीं था, मैंने सोचा नहीं था कि हम लोग, यू नो, सेम मैचिंग आउटफिट पहनेंगे या वीडियो बनाएंगे, बस मेरे को ऐसे ही अच्छा लग गया और मैंने ऑर्डर कर दिया। और मैंने जब ऑर्डर किया और जब आया, रिसीव हुआ प्रोडक्ट्स हमें, तो तब मैंने देखा यार ये तो दोनों मैच कर रहे हैं लिटरली। दिस वॉज माइन एंड दिस वन तरुण्स, सो काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट सेम ही है एंड काफ़ी अच्छा है। इफ़ यू आर, यू नो, लुकिंग फॉर कपल मैचिंग आउटफिट के लिए, तो ये दोनों आप कर सकते हो। और इंडिविजुअली बहुत अच्छा है, कॉटन में है एंड बट बहुत ही अच्छा लग रहा था। जीन्स के साथ भी यू कैन कैरी और यू नो पजामा के साथ भी यू कैन कैरी। सो या ऑल्सो, अगर आपको गिफ्ट करना हो किसी अपने हस्बैंड को, अपने ब्रदर, किसी स्पेशल वन के लिए, सो यू कैन गो फॉर इट। तरुण का मैंने साइज जो था वो L ऑर्डर किया था, जो पूरा फिट था। दिस इज़ इन कॉटन और इसका प्राइस है 1154, 1150 रुपये में ये मुझे कुर्ता मिला है और अच्छा है आई थिंक। सो या यू कैन गो फॉर इट। सो लास्ट जो दो आउटफिट्स हैं वो मैंने अभी रिटर्न करा दिया क्योंकि मुझे उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी लगी। स्टिल आई शो यू कि कौन कौन सा था, क्योंकि मेरे पास उसकी वीडियोस पड़ी है। सो फर्स्ट वन इज़ दिस, दिस वन इज़ वाइट अनारकली कुर्ती, सो इट्स अ फुल फ्लेज, यू नो, अनारकली कुर्ती एंड बहुत ज़्यादा वो विजिबल थी, लाइक उसके नीचे कोई अस्तर नहीं लगा हुआ था, सो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थी, सो दैट इज़ वाई मैंने उसको रिटर्न कर दिया। और कॉटन की कुर्ती थी और वाइट कलर में थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये वॉश के बाद भी ऐसे हो जाएगी, सो दैट इज़ वाई मैंने उसे रिटर्न कर दिया। बट अच्छा लग रहा था, बट एक और चीज़ थी यार, उसके ना जो हुक्स थे वो बार बार खुले जा रहे थे, साइड के हुक्स, और मैंने साइज स्मॉल ऑर्डर किया था बट वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो रहा था, स्पेशली स्लीव से, तो वो मैंने 1279 में लिया था और मुझे ऐसा लगा कि वो वर्थ इट नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो वो ट्रांसपेरेंट था, दूसरा वो कॉटन का था, तीसरा उसके साथ कोई भी लेगिंग या दुपट्टा नहीं था, तो वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था।
फोर्थ मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, और जो लास्ट वन है, लास्ट वन वो भी मैंने रिटर्न करा दिया है। एंड वो सूट था, प्रॉपर सूट था वो, ऑरेंज कलर में, यू कैन सी इन द वीडियो, स्ट्रैपलेस था एंड फुल ऑरेंज कुर्ता एंड प्लाजो था, और ऑर्गेन्जा की उसकी दुपट्टा था। बट जो क्वालिटी थी दोनों दुपट्टा एंड सूट की, वो काफ़ी ज़्यादा हल्की लग रही थी मुझे। मटेरियल भी विस्कॉस रेयन जो मटेरियल होता है वो था, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि धुलते ही ना बहुत ज़्यादा मरासा नहीं हो जाता तो वो हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा रिटर्न कर देता हूँ। और ऑर्गेन्जा की भी जो उसका दुपट्टा था बहुत ही क्वालिटी हल्की लग रही थी। वो मैंने 1592 का लिया था, और मुझे ऐसा लगा था 1592 आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट इन दैट, बट डेफिनेटली अगर मिंत्रा पे सेल लगेगी तो आई कैन स्टिल थिंक कि अगर मुझे वो 700 समथिंग, 600-700 में मिल जाए तो इट्स नॉट अ बैड डील। अदरवाइज अच्छा लग रहा था एसेसरीज करके, यू नो सिल्वर ज्वेलरी के साथ मैंने एसेसराइज किया था उसे, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत सारे लोगों का DMs भी आया था इंस्टाग्राम पे। उसका साइज़ मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल किया था, जो कि परफेक्टली फिट आ रहा था मुझे। सो दैट्स इट, ये था पूरा मिंत्रा हॉल, एंड जो मुझे लगा कि फेस्टिव लुक्स आपके काम आ सकते हैं। बाकी मैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, और भी जितनी डिटेल्स हैं सारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो दैट इफ़ यू वॉन्ट टू शॉप देन यू कैन गो फॉर इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन यू नो इट, लाइक शेयर एंड कॉमेंट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि अभी और भी हॉल्स आने वाले हैं बहुत सारे, फेस्टिव सीजन से रिलेटेड और बहुत सारे अदरवाइज भी। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम पेज इज शिवानी शर्मा सिंह विद डबल एच, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज ऑलवेज कॉमेंट बिलो एंड आई विल डेफिनेटली आंसर। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड सी यू गाइज लेटर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।